आप सभी को गुड मॉर्निंग। शताब्दी कृषि प्रेक्षा गृह में कालजयी कुमार गंधर्व पर कुछ होने जा रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ बातें करते हैं हम उनसे जो इस क्रियाविधि को अंजाम देंगे। नमस्कार सर, बताइए क्या है ये? हम सभी यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात युग पुरुष पद्म विभूषण कुमार गंधर्व जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम 2 दिवसों का कार्यक्रम है जो शताब्दी सभागार में BHU के संचालित है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा BHU के संगीत मंच कला विभाग के संगायन विभाग के साथ संयुक्त तत्वावधान में हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का क्षेत्रीय निदेशक अभिजीत दीक्षित आप सभी को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूँ। इस कलाकार में इस संपूर्ण कार्यक्रम में हम देखेंगे कि हमारे साथ 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं, एक चर्चा सत्र है और इसके अतिरिक्त दोनों ही सायंकालीन सत्रों में हम इस समाचार की इस मुख्य गायन परंपरा के उत्कृष्ट विद्वान, चाहे वह उदय भावलकर जी हों, पद्मश्री मधुप मुद्गल जी हों, श्रीनिवास भीमसेन जोशी, विराज श्रीनिवास जोशी, देवकी पंडित और पद्मश्री साजन मिश्रा जी की प्रस्तुतियां देखेंगे। इसी के साथ जो विशिष्ट चर्चा सत्र हुए उसमें राजेश्वराचार्य जी, मधुप मुद्गल जी, कलापनी कोमकली जी, भुवनेश कोमकली जी का एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया। इन चर्चा सत्रों में हमने कुमार जी के विविध पक्षों को, विविध आयामों को सुना। आज इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में, सायंकालीन सत्रों के रूप में, श्रीनिवास भीमसेन जोशी, श्री विराज श्रीनिवास जोशी, देवकी पंडित जी और साजन मिश्रा जी का हम गायन सुनेंगे। सभी एक साथ गाएंगे ना? जी नहीं, अलग-अलग सीक्वेंस। ओके, अच्छा सर, हम जानने के इच्छुक हैं कि जैसे कुम्हार गंधर्वों पर कोई नाटक किसी ने किया है या नहीं? ऐसा कोई है तो नहीं, अगर लेकिन ये अच्छा विषय हो सकता है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि जब भी ऐसी चीज़ें की जाएं तो एटलीस्ट 1 या 2% का सिलेक्शन हो जो इस रूप में, मतलब नाटक करें, जिससे कि मतलब एक संक्षेप में वहाँ पर विराजमान दिखे। निस्संदेह आपकी जो उनके कार्य, आपकी जो विचारधारा है वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि कुमार जी का जो पूरा जीवन काल है वह भी एक संघर्षमय रूप में बीता। उस जीवन तो इन पर नाटक नहीं है ना? अभी तक तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये विचार अच्छा है, इसको जरूर संयोजित किया जा सकता है। जरूर सर, हो सकता है कालजयी के अगले कार्यक्रम में आपको वो नाटक श्रृंखला भी दिखाई। जरूर, धन्यवाद। प्रातःकालीन चर्चा सत्र में हमने सुना कि समकालीनों में 4 ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके नाम से भारतीय शास्त्रीय संगीत का, उस संगीत की जो मशाल है वो पूरे देश में, पूरे विश्व भर में जलाई जाती थी। उनमें से एक भारत रत्न से सम्मानित नागरेन भीमसेन जोशी जी, उनके चिरंजीव आदरणीय श्रीनिवास भीमसेन जोशी जी, जो कि काशी की भूमि पर पहली बार मंच प्रस्तुति हेतु उपस्थित हो रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्रीनिवास जी को देखना और सुनना निश्चित रूप से नादरीन भीमसेन जी के अलौकिक यश काल का दर्शन करना है, और इतना सुखद योग बनाया है आदरणीय कलाकारिणी गाई ने कि मंच पर श्रीनिवास जी के साथ उनके चिरंजीव एवं पंडित भीमसेन जोशी जी के सुपौत्र श्री विराज श्रीनिवास जोशी ने आज स्वरांजलि की अभ्यर्थना हेतु उपस्थित है। उनके स्नान यात्रा में उनको तबला वादन के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित है श्री पांडुरंग पवार, तबलाने पर सहयोग प्रदान करेंगे श्री अभिषेक शंकर, परकशंस पर सहयोग प्रदान करेंगे श्री अनुरोध जैन, तानपुरे पर सहयोग प्रदान करेंगे श्री वैभव देव एवं श्री ईशान घोष,
भक्ति संगीत धारा में हम भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। आज हमें सुबह गुणीजन बता रहे थे कि परम सत्ता की कीर्ति गाथा को हम कीर्तन कहते हैं। और देखिए, काशी की ही ये गरिमा है और काशी के बूते की बात है, जैसा मुझे बताया गया है कि आज विराज जी मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद गाकर सुनाएंगे और उनके पिता आदरणीय श्रीनिवास जी यानी सगुण के बाद निर्गुण वो कबीर का एक पद गाकर सुनाएंगे। तो बनारस की ही कुबत की बात है जहाँ सगुण और निर्गुण एक सीट में आके खड़े हो जाते हैं, वो संगीत के सम पर आकर खड़े हो जाते हैं। हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय गुरुवर राजेश्वर आचार्य जी का। मैं समर्पित कर रहा हूँ मंच आज की पहली प्रस्तुति। कलाकार हैं आदरणीय श्रीनिवास भीमसेन जोशी एवं श्री विराज श्रीनिवास जोशी। सभी उपस्थित रसिक श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत विनम्र अभिवादन। ये एक मैं इतना बहुत ही छोटा आदमी हूँ, पंडित कुमार गंधर्व जी के बारे में कुछ कह भी सकूँ तो उनकी सेवा करने का अवसर कलापिनी जी, भुवनेश जी और उनके बाकी सब सहयोगी संस्थाओं ने ये जो अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और जैसा कि बताया गया, यहाँ आने का किसी कारणवश हुआ नहीं था, तो इस बार बुलाया तो बड़ा ना कहना बड़ा कोई सवाल ही नहीं था ना कहने का। तो ऐसे पावन स्थल पर एक महान गायक को अपनी सेवा अर्पण करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जिस परंपरा से हम आते हैं वो भी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े उपासक थे, तो उनका गाया हुआ ही भक्ति संगीत जो है उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश आपको सुनाएंगे। तो पहला हम जो गाएंगे वो हमारे महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय का मंत्र है, जय जय राम कृष्ण हरि, उस नाम संकीर्तन से हम शुरू करेंगे। बाद में जैसे जैसे समय बनता है और समय बचता है
Yeah.
Oh,
हुई।